बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। यह हम नहीं, उनके आने वाली फिल्मों की लिस्ट बता रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दिनों अर्जुन कपूर अपनी इंडियाज मोस्ट वांटेड की शूटिंग में व्यस्त हैं। साथ ही उनकी आने वाली मूवी नमस्ते इंग्लैंड भी अपने रिलीज को तैयार है। ऐसे में अब अर्जुन कपूर के फैंस के लिए एक और खुशखबरी है, वहीं अक्षय कुमार के फैंस के लिए और बुरी खबर है। जी हाँ, बॉलीवुड की एक न्यूज़ के अनुसार नमस्ते इंग्लैंड की तरह ही अक्षय कुमार की एक और फिल्म का सीक्वल अब अर्जुन कपूर के हाथ लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म की सीरीज सिंह इज किंग का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसमें अब अर्जुन कपूर नजर आएंगे। सिंह इज किंग की प्रोड्यूसर विपुल शाह और डायरेक्टर अनीस बज्मी के बीच में चल रही अनबन की वजह से इस फिल्म का काम रुका हुआ था। अब इस विवाद के ख़त्म होने के बाद फिल्म की टीम अब अर्जुन कपूर के साथ इस फिल्म को बनाने की तैयारी कर रही है। इस फिल्म की तैयारियां शुरू हो चुकी है, बस अक्षय कुमार की जगह अर्जुन इस बार फिल्म में नजर आएंगे। वहीं खबरों की माने तो कैटरीना कैफ भी इस फिल्म में नजर आने के आसार कम ही लग रहे हैं। यह दूसरी बार है जब अक्षय कुमार पर अर्जुन कपूर भारी पड़े हैं। अक्षय कुमार की जो ये फिल्म है उनके हाथ गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिंह इज किंग के अंदर और किसी एक्टर को होना चाहिए या नहीं, या सिर्फ अक्षय कुमार को ही होना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलेगी सबसे पहले।